अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है इस तरह की एआई इमेजेस काफ़ी वायरल और ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस तरह की एआई इमेज बनाना सिखाऊंगा। वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखनी है। अगर आप वीडियो पर न्यू हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो यार, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने जाना है गूगल में, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना है बींग एआई इमेज जनरेटर, ठीक है, या इमेज क्रिएटर, क्योंकि जिसके ऊपर आपने अपनी एआई इमेज क्रिएट करनी है वो ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है बींग, आपने यही वेबसाइट ओपन कर लेनी है, इमेज क्रिएटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, ठीक है। ओपन कर लेने के बाद थोड़ा सा वेट करना। अब यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट एस जॉइन का, आप लोगों ने अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना। मेरा ऑलरेडी से अकाउंट वगैरह क्रिएट हुआ पड़ा है, तो काइंडली आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपको डेली की बेसिस पे 15 कॉइन मिलते हैं, आप 15 कॉइन से अपनी पिक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं मिलती, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोमो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दूँगा, यहाँ से आप लोग ईज़िली स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन से भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। एंड प्रोमो बहुत मतलब के गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे भी आप लोगों को प्रोमो इजीली मिल जाएगा, जस्ट आप लोगों ने वहाँ से कॉपी करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। जो मींस कि मैं प्रोमो दूँगा वो आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद आपने यहाँ पर अपना नेम वगैरह चेंज कर लेना है एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों ने ना मैक्सिमम 15 से 16 सेकंड वेट करना है, ये आपकी एआई इमेज जनरेट करके आपको दे देगा। अगर आपका नेट मेरे से ज़्यादा बेस्ट है तो फौरन ही जनरेट कर देगा। लेट्स सी भाई, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। फुल एचडी 3डी हमारी इमेजेस क्रिएट होके आ गई हैं, ठीक है। ये चेक करें। अब आप लोगों ने क्या करनी है, डाउनलोड कर लेनी है। अब गर्ल्स के लिए क्या करना है, आप लोगों ने ना ओल्ड बॉय की जगह आप लोगों ने गर्ल लिख देना, ठीक है। एंड यहाँ पे शायरी की जगह मैंने अपना नेम लिखा है, यहाँ पे जो भी गलत देख लिया वो अपना नेम लिख लेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। यह जस्ट आपसे थोड़ा सा टाइम लेगी, आपकी जो एआई इमेज है वो क्रिएट करके दे देगी, और उसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि आपने इसके ऊपर रील्स किस तरह बनानी है और साउंड कौन सा लगाना है। साउंड का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इजीली उठा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं गर्ल्स वाली ना इस तरह एआई इमेजेस क्रिएट होके आ जाएंगी, कितनी प्यारी लग रही हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, डाउनलोड कर लेनी है। अब इसकी रील्स बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आ जाना है इनशॉट में, यहाँ से आप लोगों ने फ़ोटो में जाना है, प्लस में जाना है, एंड यहाँ से आप लोगों ने अपनी एक पिक उठा लेनी है जो आपको बेस्ट लगे। मुझे नहीं, ये सही नहीं लग रही तो ये उठा लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने जाना है कैनवस में, इसकी रेशियो 9.16 करके आप इसको एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने टिक के ऊपर क्लिक कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है। सेव कर लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, गूगल में आ जाना है, यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना है हीलिंग थाईलैंड कैप का टेम्पलेट हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को जो पहला ऑप्शन मिल रहा है हीलिंग थाईलैंड कैप का टेम्पलेट लिंक 2024, सिंपली इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों ने नीचे स्क्रोल करना है, यूज़ टेम्पलेट इन कैप कट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
तो यार आपके पास ना इस तरह टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, यूज़ टेम्पलेट के ऊपर जाना है, यहाँ से आप लोगों ने फ़ोटो में जाना है एंड अपनी वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो आप लोगों ने क्रिएट की थी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद ना आपकी जो मतलब के वीडियो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। मैं आप लोगों को एक बार चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये होगी हमारी वीडियो क्रिएट होगी। अब इसके ऊपर साउंड लगाना, वो कैसे लगाना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो आप लोगों ने एक्सपर्ट कर लेना इसको, एक्सपर्ट विदाउट वाटर मार्क, ठीक है। हमारी 100 के ऊपर वीडियो होगी ना कंप्लीट, तो वीडियो एक्सपर्ट होकर गैलरी में आ जाएगी। अब साउंड किस तरह लगाना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। साउंड लगाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग हैं इंडिया से तो आप लोगों ने करना क्या है, आपने सुपर वीपीएन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एंड इसे आप लोगों ने कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। मेरे पास मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास वैसे ही कैप का टोकन हो जाना है। तो आप लोगों ने इसे कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, अगर आप लोग इंडिया से हैं। उसके बाद आप लोगों ने जाना है कैप कट में, कैप कट ओपन कर लेना है, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, अपनी वो वीडियो उठा लेनी है, ठीक है, जिस पर आप लोगों ने साउंड उठाना है, साउंड लगाना है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है एंडिंग पॉइंट में, एंडिंग पॉइंट आप लोगों ने डिलीट कर देना है। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम है वो आप लोगों ने बिल्कुल म्यूट कर देना है, यहाँ से म्यूट कर लेने के बाद आप लोगों ने आ जाना है ऐड ऑडियो में एक्सट्रैक्टेड। उसके बाद आप लोगों ने ये वीडियो उठा लेनी है साउंड वाली। अब मैं आपको सुना इसलिए नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, बाकी आप लोगों ने अपनी वीडियो को उसी मुताबिक एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। लोग वीडियो को क्रॉप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, स्पीड के लिहाज से इसको एडजस्ट कर लेना है, थोड़ा सा पीछे करके देख लेना है, नहीं बल्कि स्पीड को आप लोगों ने क्या करना है, स्पीड पे आ जाना है नॉर्मल पे, इसकी स्पीड बढ़ा देनी है, थोड़ी सी आप लोगों ने स्पीड कम कर देनी है, ओके 1.3। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से एक्सपर्ट कर लेना है एक्सपर्ट। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।